हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये जंपसूट जो वेस्ट के पास इलास्टिक है जिसमें लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते बनाना। मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है इसके लिए। अगर साइज़ ज़्यादा है तो आपको 2.5 मीटर भी लेना पड़ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप ले कपड़े को। तो ये देखिए, मैंने इसको 4 फोल्ड्स में ले डाउन कर लिया है और ये लंबाई में मैं रखा है मैंने। और अपर पार्ट के लिए मैं 17 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नॉर्मली कमर की मार्किंग के लिए 15 इंच लेती हूँ, इसमें 17 लिया है मैंने, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जंप शूट का जो अपर बॉडी है वो लंबाई में ज़्यादा रहता है और लोअर बॉडी भी ज़्यादा रहता है। तो पहले अपर बॉडी देख लेते हैं। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा करके आपके जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप 2 इंच एक्स्ट्रा करके इसको कट कर दें। और कट करने के बाद हम बाकी मेजरमेंट्स कर लेंगे इसके ऊपर। तो मैं शोल्डर 7 इंचेस ले रही हूँ और आर्म होल 6.5 इंचेस। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारी मार्किंग कर लें। तो ये देखिए, मैं सारी मार्किंग करने के बाद सारे पॉइंट्स को मिला लूँगी। और अब नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक मैंने 3 इंचेस लिया है चौड़ाई में और गहराई इसकी मैं 5 इंचेस ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसकी जो भी नेक की मेजरमेंट है वो, और नेक का शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहें। मैं सिंपल राउंड नेक रखती हूँ। तो नेक मैं बाद में कट करूँगी, अभी मैं आर्म होल कट कर रही हूँ और जो शोल्डर ड्रॉप दिया है मैंने 1/2 इंचेस का वो कट कर लेंगे। और सेंटर की मार्किंग भी कर लेंगे, नॉच दे देंगे यहाँ पे। और फ्रंट पार्ट हो गया, सॉरी, जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो हो गया। अब लोअर बॉडी के लिए भी हम इसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे 4 लेयर्स में। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। और ये देखिए, मैंने एक लाइन मार्क कर दी है, इस लाइन से मैं सारी मार्किंग करूँगी। और अब चौड़ाई में मैं हिप का 4th पार्ट, देखिए ये चौड़ाई जो है मैंने फॉर्मूला दे दिया है, हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग प्लस 2 इंच डार्ट। आप इसमें लूजिंग और डार्ट में आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसी अकॉर्डिंग मैंने ये देखिए यहाँ पे भी जो क्रॉच पार्ट है इसका मेजरमेंट हिप से ही लिया है। तो जो भी मेजरमेंट है मेरी सभी हिप से है। आप इसी फॉर्मूले से बना के देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पे देखिए, स्लोप में बहुत ही सिंपल कर्व देना है, यहाँ पे डीप कर्व नहीं देना है। और कटिंग कर लेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग, 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ते हुए। और ये देखिए, बॉटम पे अब हम कर लेते हैं मार्किंग। तो बॉटम मैंने चौड़ाई ली है 11 इंच की और एक लेग की चौड़ाई इस तरीके से हो जाएगी 22 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेजरमेंट चाहें रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मार्किंग कर ली। और अब ये जो बॉटम पॉइंट है, पॉइंट को मैं नीचे की तरफ, ये देखिए जो हमारा क्रॉच पॉइंट है जहाँ पे हमने कर्व कट किया था, वहाँ से नीचे की तरफ मिला लेंगे शेप स्केल से। अगर ये वाली स्केल आपके पास नहीं है तो आप कोई और अपनी अकॉर्डिंग खुद से ही मार्जिन कर सकते हैं या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कट कर लिया है। और अब हम डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो सीट सीम की तरफ से 5 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करना है और इस मार्किंग के दोनों तरफ 1/1 इंच मार्क करूँगी क्योंकि 2 इंच का मैंने डार्ट का चौड़ाई लिया था। और लेंथ मैं ले रही हूँ 5 इंचेस की, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसी तरीके से हमें चारों पैनल जो हमारे बन रहे हैं इस पर हम नॉच दे देंगे ताकि डार्ट की मार्किंग अच्छे से हो सके। और इसी नॉच के अकॉर्डिंग हम डार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने डार्ट स्टिच कर लिया है, दोनों पैनल में इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। और अब इन दोनों पैनल को एक दूसरे के ऊपर रखना है ताकि जो सीधा साइड है वो इनसाइड की तरफ हो दोनों का ही। और इस तरीके से उल्टे साइड पे हम सीट सीम पे सिलाई दे देंगे। 1 सेंटीमीटर मार्जिन रखा है मैंने, तो 1 सेंटीमीटर पे ही सिलाई रखूँगी। आप जो भी मार्जिन रखे उतने पे ही सिलाई रखें। और इस तरीके से सिल लूँगी इसके ऊपर। और साथ ही मैं ये जो फ्रंट पैनल है मेरा, इसके ऊपर नेक की कटिंग कर लेंगे और नेक की भी फिनिशिंग कर लेंगे बायस स्ट्राइप्स यूज़ करके। तो पहले नेक कट कर लेते हैं।
होती है। देखिए इसी तरह से नेक कट करने के बाद मैं इस पर बायस स्ट्राइप से इसकी फिनिशिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है सीट सिम को, और अब इसको इस तरीके से ओपन करना है, और जो क्रॉच का सेंटर आ रहा है दोनों तरफ का, तो दोनों क्रॉच के सेंटर को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे पिनअप कर लेंगे ताकि सेंटर इधर उधर ना हो स्टिच करने के टाइम। तो इस तरीके से पिनअप करने के बाद ये देखिए हम लेग्स को जो भी मार्जिन रखे होंगे आप उसके हिसाब से स्टिच कर लें। मैंने 1 सेंटीमीटर मार्जिन रखा था तो इसी हिसाब से इनसिम को स्टिच कर लूँगी। और ये देखिए मैंने फ्रंट पैनल का जो नेक है वो क्लीन कर लिया है, और साथ ही मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिया है, और अब इसकी साइड स्टिचिंग कर दूंगी। साइड मैंने लूज़ रखा था क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक बनाना है, तो ये देखिए यहाँ पे साइड सीम स्टिच कर देंगे, और साथ ही हम आर्म होल की भी फिनिशिंग करेंगे बायस स्ट्राइप्स यूज़ करके। तो ये देखिए मेरा अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों रेडी है, अब इन दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो इन दोनों के वेस्ट पार्ट को एक साथ रखेंगे, पहले तो जो फ्रंट है उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, और सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद जो ट्राउज़र है उसका सेंटर पॉइंट एक साथ मिलाते हुए पहले पिनअप कर लेंगे ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए स्टिचिंग के टाइम पे। तो ये देखिए पहले मैं फ्रंट की जो सेंटर है वहाँ पर नॉच दे रही हूँ, और अब इस नॉच को जो ट्राउज़र का पार्ट है उसके सेंटर के पास रख के और इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरीके से हमको दोनों फैब्रिक को पकड़ना है ताकि जो दोनों का सीधा पार्ट है वो अंदर की तरफ हो, और इस तरीके से पकड़ते हुए गोलाई में इसको पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पिनअप कर लिया है, और इस तरीके से राउंड में मैंने ये देखिए पिनअप कर लिया है, और अब यहाँ पे 1/2 इंचेस मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच कर लेंगे राउंड में। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है राउंड में, और जो हमारी मार्जिन है वो 1/2 इंच के लिए मैंने इस तरीके का लुक है इसका। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो ये देखिए जो हमारा शोल्डर लाइन है बैक का और फ्रंट का जहाँ जॉइंट है वहाँ पे एक साथ रखेंगे इसको, और जो बैक का सेंटर है वो मार्क कर लेंगे। अब इसी सेंटर को पकड़ते हुए ट्राउज़र का भी सेंटर पार्ट पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको प्लेस करके सेंटर से कट कर देंगे। जो वेस्ट पार्ट है उससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ ही कट करना है, ये हमें ट्राउज़र के पार्ट को कट नहीं करना है। तो ये देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे कट कर लेंगे, ये देखिए। और अब कट करने के बाद हम यहाँ पे 2 इंच की पट्टी लेंगे और दोनों तरफ अटैच कर देंगे ताकि हम यहाँ पे हुक्स एंड आईज लगा सकें। ये हमारी ओपनिंग होगी, इसी तरफ से हमें पहनना है इसको, तो ये ओपनिंग इसलिए मैंने बड़ी रखी है। और यहाँ पे बायस स्ट्राइप लगा लेंगे दोनों साइड पे फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए मैंने ये लगा ली है पट्टी, और इस पर हमें हुक्स एंड आईज अटैच करने हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम वेस्ट पे इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये देखिए उल्टा साइड को बाहर कर लिया है, और मेरे पास ये इलास्टिक है 1/8 से 1.1 ज़्यादा है इसकी चौड़ाई, तो आप भी पतली वाले इलास्टिक ही यूज़ करें। तो इस इलास्टिक को हम जो हमारा वेस्ट के पास मार्जिन है 1/2 इंच का लिया था उसके ऊपर अटैच करना है हमें, ना ही फ्रंट और ना ही बैक के ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने मार्जिन के ऊपर अटैच कर लिया है, और अब जो ये मार्जिन है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके किनारे पे भी एक स्टिच दे देंगे। इस तरीके से जो हमारा इलास्टिक है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा, अंदर की तरफ दब जाएगा। तो चारों तरफ स्टिच कर देंगे इलास्टिक को। तो ये देखिए बिल्कुल भी इलास्टिक दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर की तरफ ये हो गया है, तो अंडरग्राउंड इलास्टिक इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से बाहर और अंदर की पूरी फिनिशिंग के साथ रहेगी, और इलास्टिक इरिटेट भी नहीं करेगी स्किन को। तो इस तरीके से इलास्टिक अटैच करने से बॉडी के लिए भी फ्री फील होता है, ये इलास्टिक से इरिटेट नहीं होता। इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं अंडरग्राउंड इलास्टिक। तो ये देखिए इसकी फिनिशिंग,
और अब हम बॉटम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो बॉटम के लिए हमें जो भी आपने मार्जिन रखा हो उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर लें। तो मैं 2 इंच फोल्डिंग कर रही हूँ अंदर की तरफ। तो इस तरीके से राउंड फोल्डिंग करने के बाद ये हमारा फाइनल लुक है। तो ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए ऐसा दिखता है पहनने के बाद। लेग्स के पास थोड़ा लूज है, उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।